भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद आजमगढ़ में विश्वविद्यालय के भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए आज हम सबके बीच में उपस्थित मां भारती के कर्मठ और यशस्वी पुत्र, भारत के लोकप्रिय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश राणा जी, उच्च शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती नीलमा कटियार जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद बलिया श्री वीरेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री अरुण कुमार यादव जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री यशवंत सिंह जी, विजय बहादुर पाठक जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी, माननीय सदस्य राज्यसभा श्री विवेक ठाकुर जी, भारी संख्या में आज के शिलान्यास कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए आजमगढ़ के गांव गांव से यहां पर उपस्थित आजमगढ़ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब की ओर से मैं भारत सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री मां भारती के यशस्वी सपूत आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जो कहा सो करके दिखाया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकारों ने, न केवल केंद्र सरकार ने बल्कि राज्यों की सरकारों ने भी जनता जनार्दन के सामने जो बातें कही थी, अक्सर सह उनका पालन करते हुए उसे जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज इसी का परिणाम है कि दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और 2017 में इसी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व और रणनीति के तहत जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन और सहयोग किया था, आज उसका परिणाम है आजमगढ़ ने भले ही दो दो पूर्व मुख्यमंत्री दिए हो, लोकसभा में सांसद चुन करके भेजे हो, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धूमिली ही हुई है। पहचान का संकट आजमगढ़ के सामने उन्होंने हमेशा खड़ा किया था। ये वही आजमगढ़ है 2017-2014 के पहले, यहां का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। पहचान का एक संकट खड़ा होकर के आपके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता था। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज जब भारत के अंदर सरकारें काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार मिल रही है। मुझे याद है जब सरकार का गठन होने जा रहा था
तब माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ऐसे बनाए कि जिससे वह आजमगढ़ के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बैकबोन बन जाए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके विकास की धुरी बन रही है। आज आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, अंतिम चरणों में चल रहा है, लगभग 95% कार्य पूरा हो गया है। और भाइयों बहनों, यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में जानना होगा, ये पहचान का संकट कौन लोग थे जो आपके सामने खड़ा किए थे? ये लोग वही थे जो जाति के नाम पर बांटने वाले थे, लेकिन अपने परिवार के लिए भरने वाले थे। इन्होंने अपने परिवार और अपने खानदान के बाहर कहीं नहीं झांका। आज प्रदेश में हम लोगों ने शासकीय स्तर पर 4.5 लाख नौजवानों को अगर सरकारी नौकरी दी और लगभग 3 लाख नौजवानों को संविदा के आधार पर नौकरी दिए, 7.5 लाख नौजवान अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी प्राप्त किया है, तो भाइयों बहनों, ये नौजवान मेरे या अमित शाह जी के या मोदी जी के परिवार के हिस्से नहीं, उत्तर प्रदेश के ही नौजवान हैं और आपके नातेदार रिश्तेदार होंगे। लेकिन भाइयों बहनों, हमें प्रसन्नता इस बात की होती है कि चलिए हमारे इस बृहद परिवार का कोई सदस्य तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पाया। तो लेकिन पहले होता क्या था, नौकरी निकलती थी और नौकरी के साथ ही महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे वसूली में, कहीं चाचा है, कहीं मामा है, कहीं भांजा है, कहीं भतीजा है, ये सभी निकल पड़ते थे। कोरोना कालखंड में उन लोगों का दर्शन यहां पर नहीं हुआ होगा। मैं आजमगढ़ वासियों से पूछता हूं कि आपके सांसद कोरोना में आपका हालचाल लेने आए थे? वे फिर भी नहीं आएंगे। चुनाव की सुगबगाहट होती है तो ये लोग भी कभी कभी आपके बीच में आएंगे, फिर गुमराह करके चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था सो करके दिखाया है। और भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं कि मेरे लिए तो हार्दिक प्रसन्नता की बात है, क्योंकि आजमगढ़ हम लोगों के कार्य क्षेत्र का एक हिस्सा रहा है। आप याद करिए, 2007 में यही आजमगढ़ में मुझ पर हमला हुआ था और तब मैं यहां पर आया था, तब हम लोग आए थे यहां पर। उस समय सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की इसलिए हत्या हो जाती थी क्योंकि वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और उसने वंदे मातरम के लिए कहा था कि वंदे मातरम का गायन गणतंत्र दिवस पे होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, कॉलेज परिसर में ही प्रिंसिपल कार्यालय के पास ही उनकी हत्या हो जाती है और एक महीने तक FIR तक दर्ज नहीं होती थी। आज क्या किसी की हिम्मत है कि संघ से कोई सरेआम हत्या कर ले? आज कोई गुंडा किसी राह चलती हुई बेटी और बहन को छेड़ने का दुस्साहस कर पाएगा? अगर कोई करेगा तो उसे मालूम है कि दुर्योधन और दुशासन के क्या हाल हुए थे। और भाइयों बहनों, आज यही हम सब कहने के लिए आए हैं, विकास का हो, सुरक्षा का हो, गरीब कल्याण का हो, कोरोना कालखंड में कितना अभूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने किया। सर्वाधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक
आजमगढ़ जनपद में भी आने वाले हैं, वे सभी यहां पर आए थे। 1 लाख से अधिक संख्या आपके लिए आपके जनपद में आई थी, लेकिन उन सबको सुरक्षित घरों तक पहुंचाना, भारतीय रेल ने फ्री में उनको यहां पर पहुंचाने की व्यवस्था करना, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से उन्हें पहुंचाने की व्यवस्था करना, उनकी फ्री में जांच, सभी लोगों के लिए फ्री में उपचार, फ्री में राशन की व्यवस्था, फ्री में टेस्ट। और भाइयों बहनों, जो खाद्यान्न पिछली सरकारों में ब्लैक हो जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, वह खाद्यान्न घर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में 7 महीने तक, 2021 में 8 महीने तक फ्री में खाद्यान्न दिया। और खाद्यान्न ही नहीं दिया भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? जिन लोगों ने नहीं लगाया वैक्सीन जल्दी लगा लें। और आपके आसपास नजदीक का कोई भी व्यक्ति बचा है उसको भी ये फ्री में वैक्सीन लगा करके कोरोना महामारी को सदैव के लिए बोतल में जिंद की तरह भरने का काम कर दीजिए, जिससे सामान्य जीवन, नागरिक के जीवन और उसकी जीविका को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य चल रहा है उस कार्य को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को और भी तेजी ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे। और इसीलिए सरकार ने तय किया है भाइयों बहनों कि मई से लेकर के होली तक, यानी होली से लेकर दीपावली तक फ्री में राशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को दिया, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को दिया। और सरकार ने तय किया है कि दीपावली से के होली तक उत्तर प्रदेश के इन 15 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। 15 करोड़ लोगों में अंत्योदय परिवार वालों को, अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, खाद्यान्न का मतलब गेहूं और चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक भी उनको मिलेगी। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में यह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पात्र गृहस्थी परिवारों को प्रति यूनिट, यानी हर यूनिट से 5 किलो खाद्यान्न, अगर किसी परिवार में 9 लोग हैं तो उनको 45 किलो, 7 लोग हैं तो 35 किलो, 5 लोग हैं तो 25 किलो खाद्यान्न मिलेगा। 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक उस परिवार को भी होली तक प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री अन्न योजना को होली तक बढ़ाने के लिए आप सबको बधाई। हर एक गरीब के जीवन को बचाने का एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। दूसरा, यहां पर विश्वविद्यालय बनेगा, अगले सत्र में प्रारंभ भी हो जाएगा। आजमगढ़ और मऊ के 400 महाविद्यालय और 2,66,000 बच्चे उन महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, उन सबको इससे संबद्ध करके यहीं से डिग्री देने का कार्य भी यह विश्वविद्यालय यहां पर कर देगा। नए नए पाठ्यक्रम चलेंगे, आजमगढ़ और मऊ के नौजवानों को लिए नौकरी और रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, घर घर में ही उनको सब प्राप्त होगा। और भाइयों बहनों, अपने नौजवानों के लिए सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट लेकर के आ रही है, आप देखना स्मार्ट नौजवान बनेगा यूपी का। अब मोबाइल फोन और स्मार्टफोन के माध्यम से और टैबलेट के माध्यम से ही सारी गतिविधियां, घर में बैठ करके ऑनलाइन एजुकेशन की पूरी व्यवस्था भी होने जा रही है। इस सब के लिए आपको मैं बधाई देता हूं, आजमगढ़ वासियों को, मऊ जनपद वासियों को इस विश्वविद्यालय के लिए बधाई, माननीय गृह मंत्री जी का आभार और हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज
यहां पर यहां के आजमगढ़ वासियों के लिए समय देकर के इस विश्वविद्यालय की आधारशिला करने के लिए स्वयं माननीय गृह मंत्री जी स्वयं यहां पर पधारे हैं। आप सबके ओर से मैं एक बार फिर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए वाणी को देता विराम। जय जय श्री राम।